धीरे धीरे भाई को स्टेप बाय स्टेप जाएगा, नशा छोड़ेगा ना जल्दी, नशा छोड़ देगा ना, नहीं तो दूसरे तरीके से छुड़ाऊंगा ना, छोड़ना जरूर है। मुद्दा ये था अभी गगनदीप सिंह करके एक बंदा वाइगुरु जो नशा में डूबा हुआ था, वो नशा जो कर रहा था वाइगुरु, वो बंदे को मैं यहाँ पर उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद यहाँ पर लेके आया, पेशेंट को एडमिट करेंगे दो दिन, वो लोग केयर टेकिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो ठीक हो जाएगा हम वो माँ के पास छोड़ेंगे, क्योंकि इसने अपनी माँ का कान का पर्दा फाड़ा। उस माँ को वाइगुरु मैं एक डेढ़ घंटा पहले मिलने गया था, क्योंकि उनका फ़ोन आया था, मेरा एक वीर है मनदीप दोसांझ, उस टाइम पे मैं मनदीप दोसांझ के साथ ही था। जब वो माँ का रोना देखा मैंने, तो मैं बोला मेरे को भी चलना है, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, सेवन स्टैंडर्ड में मैंने मेरी माँ को खोया ना, तो वो माँ मेरी माँ है, तो उस माँ का आंसू वाइगुरु बर्दाश्त नहीं हुआ, और पंजाब की एक एक माँ मेरी माँ है, तो हम उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। इन्फॉर्मेशन कितना प्राप्त हुई? मनदीप दोसांझ एक एनजीओ चलाता जिसका नाम है वेलफेयर एंड हेल्प एंड केयर सोसाइटी जी, जो मनदीप दोसांझ मेरा वीर है, उसको जब बताया तो मैं आया, मैं था दरबार साहब में, मैं जा रहा था चंडीगढ़, क्योंकि हाईकोर्ट में मेरा मसला चल रहा है, जो मेरे पे तीन पर्चा हुआ पंजाब में, उसके लिए मेरे को कोर्ट पे जाना था, लेकिन कोर्ट से बड़ा मेरे को वाहेगुरु ये सेवा करने का था। आज गुरुपुरब भी है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जन्मदिन। देखो अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल एक बहुत बड़ा स्तंभ है, मेडिकल में बच्चा जमता भी है और आदमी गुजरता भी है, सांस शुरू भी होता है समाप्त भी इधर होता है। और एक बात, यहाँ पर कोई जैगवार ऑडी में नहीं आता है, यहाँ पर एम्बुलेंस में आता है, तो बेनती है एम्बुलेंस का तरक्की अच्छा, स्टाफ को और बढ़ाए सरकार, की सरकार बहुत अच्छा उपराला कर रही है जी मेडिकल। कितने टाइम फोटो कर लिया नशा वाइगुरु कोविड में, उनको गलत लट में लगा है वाइगुरु, नशे के लड़ में लगा हुआ है कोविड में। देखो एक हम दोनों का स्टोरी सेम है, मैं कोविड में नशा छोड़ के महाराज के लड़ में आया, वो कोविड में महाराज को छोड़ के वो नशे के लड़ में आया, तो कोई बात नहीं वो बदल सकता है, हम कोशिश करेंगे तो क्या होगी, नशे छोड़ देगा भाई, वो महाराज कृपा करेगा, तो देख सकते हो धीरे धीरे भाई को स्टेप बाय स्टेप जाएगा, नशा छोड़ेगा ना जल्दी, नशा छोड़ देगा ना, नहीं तो दूसरे तरीके से छुड़ाऊंगा ना, छोड़ना जरूर है। मुद्दा ये था अभी गगनदीप सिंह करके एक बंदा वाइगुरु जो नशा में डूबा हुआ था, वो नशा जो कर रहा था वाइगुरु, वो बंदे को मैं यहाँ पर उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद यहाँ पर लेके आया, पेशेंट को एडमिट करेंगे दो दिन, वो लोग केयर टेकिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो ठीक हो जाएगा हम वो माँ के पास छोड़ेंगे, क्योंकि इसने अपनी माँ का कान का पर्दा फाड़ा। उस माँ को वाइगुरु मैं एक डेढ़ घंटा पहले मिलने गया था, क्योंकि उनका फ़ोन आया था, मेरा एक वीर है मनदीप दोसांझ, उस टाइम पे मैं मनदीप दोसांझ के साथ ही था। जब वो माँ का रोना देखा मैंने, तो मैं बोला मेरे को भी चलना है, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, सेवन स्टैंडर्ड में मैंने मेरी माँ को खोया ना, तो वो माँ मेरी माँ है, तो उस माँ का आंसू वाइगुरु बर्दाश्त नहीं हुआ, और पंजाब की एक एक माँ मेरी माँ है, तो हम उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। इन्फॉर्मेशन कितना प्राप्त हुई? मनदीप दोसांझ एक एनजीओ चलाता जिसका नाम है वेलफेयर एंड हेल्प एंड केयर सोसाइटी जी, जो मनदीप दोसांझ मेरा वीर है, उसको जब बताया तो मैं आया, मैं था दरबार साहब में, मैं जा रहा था चंडीगढ़, क्योंकि हाईकोर्ट में मेरा मसला चल रहा है, जो मेरे पे तीन पर्चा हुआ पंजाब में, उसके लिए मेरे को कोर्ट पे जाना था, लेकिन कोर्ट से बड़ा मेरे को वाहेगुरु ये सेवा करने का था। आज गुरुपुरब भी है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का क्योंकि मेडिकल एक बहुत बड़ा स्तंभ है, मेडिकल में बच्चा जमता भी है और आदमी गुजरता भी है, सांस शुरू भी होता है समाप्त भी इधर होता है। और एक बात, यहाँ पर कोई जैगवार ऑडी में नहीं आता है, यहाँ पर एम्बुलेंस में आता है, तो बेनती है एम्बुलेंस का तरक्की अच्छा, स्टाफ को और बढ़ाए सरकार, की सरकार बहुत अच्छा उपराला कर रही है जी मेडिकल। फोटो कर लिया नशा वाइगुरु कोविड में, उनको गलत लट में लगा है वाइगुरु, नशे के लड़ में लगा हुआ है कोविड में। देखो एक हम दोनों का स्टोरी सेम है, मैं कोविड में नशा छोड़ के महाराज के लड़ में आया, वो कोविड में महाराज को छोड़ के वो नशे के लड़ में आया, तो कोई बात नहीं वो बदल सकता है, हम कोशिश करेंगे तो क्या होगी, छोड़ देगा भाई वो महाराज कृपा करेगा, तो देख सकते हो।